क्या हुआ है आपको? और ये क्या हालत बना रखी है? ये और ये हाथ में ये चोट कैसे आई आपको? आप गलत बात कर रहे हो। मैं मानती हूँ कि अब सावी पर गुस्सा है, पर सावी का गुस्सा मुझ पर निकालना ठीक नहीं है। एक्चुअली तुम सावी जैसी बिल्कुल तो आप फर्स्ट एड कीजिए, मैं फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ, उसके बाद आप मुझे बताइए कि क्या हुआ है, ठीक है? सीन में ये चल रहा है कि नित्यम बहुत ही ड्रंक हालत में घर वापस लौटता है और होश में नहीं है, तो सोनम नित्यम से पूछती है कि क्या हो गया, ये क्या हालत बना रखी है ये वो। तो वो सोनम पे ब्लेम करने लग जाता है कि तुम भी अपनी बहन की तरह ही हो, इमोशनलेस ये वो। तो बस फर्स्ट एड किट लाती है वो और फिर यही सोच में है कि शायद नित्यम बता दे कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ है। पर कहीं ना कहीं सोनम को अंदाज़ा आ गया है कि वहाँ पे ऑब्वियसली इनका कुछ फिर से लड़ाई हुई है या कुछ हुआ है, क्योंकि वो फ़ोटोज़ जो भी थे मानव की फ़ैमिली के और गोयल फैमिली का जो भी था वो सोनम ने ऑलरेडी नित्यम को भेज दिया था। तो सोनम को पता है कि मेरी ही वजह से जो भी इनका झगड़ा वगड़ा हुआ है वो हुआ है, पर बस वो नित्यम के मुंह से सुनना चाहती है कि क्या हुआ एग्जैक्टली प्रिया फार्म्स पर। फैंस को बस इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए एंड कीप वॉचिंग आवर शो। थैंक यू।